सभी हमारे पत्रकार साथियों, विषय को राष्ट्र अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के सांसद आदरणीय श्री ललित बाबूजी ने आप लोगों के समक्ष रखा है। कई बातें मीडिया में होकर के आ रही थी, लेकिन तिथि अब स्पष्ट हो गया है। 12 तारीख को एंगेज कुछ जो लीडर उनकी अपनी प्रेयर एंगेजमेंट रही, इस वजह से आने में थोड़ी असुविधा थी, लेकिन सबका राय बना कि सब पार्टी के जो हेड हैं वो रहे, उसी तिथि को बैठक जो है बुलाई जाएगी। तो तय हो गया है, वेन्यू जो है वो पटना में है। पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। और जो महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और सभी लोगों की ये कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष जो लाइट माइंडेड पार्टीज जो हैं, उन सब को जो है गोलबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए, रणनीति तय की जाए। तो हमको लगता है कि सभी लोगों का प्रयास इसमें लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, उनके साथ हम खुद कई जगह पर कई नेताओं के साथ हमारी मुलाकात भी हुई और हमको लगता है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो जो देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है तो एक बड़ी अच्छी खबर है। और हमको लगता है कि इस बैठक के होने के बाद जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आएगा। और बाकी बात तो बैठक होगी, उसके बाद जो है बात आप लोगों से किया ही जाएगा। तो इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया ताकि आप सब लोगों को हम लोग सूचित कर दें। ये सब अलग बात है, आपकी ये अलग बात है, कहाँ क्या हवा में बात आए। अभी बात हो रही है विपक्षी एकता की, और विपक्ष एक होकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया, देश में आज की तारीख में अघोषित आपातकाल लागू है। कोई एक चूस शब्द अपनी जुबान से नहीं निकाल सकता है, और जो एक सब चूं अपने जवान से निकाला सरकार के खिलाफ, उस पर तुरंत तोतों की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इसलिए आज की आवश्यकता है कि भाजपा मुक्त यह देश बने, देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित हो, और विपक्षी एकता की जो बैठक 23 तारीख को यहां होने वाली है, एक उसमें अहम भूमिका निभाएगा। यह हम आपको